रोस्टेड पनीर बनाने का सबसे आसान तरीका। हे गाइस, आई एम मोहित एंड यू आर वॉचिंग मोहित किचन। लेट्स गेट स्टार्टेड। पनीर के तो आपने बहुत रेसिपी बनाए होंगे, पर एक बार ये रोस्टेड पनीर बना के देखिए। बहुत आसान से 15 से 20 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है और आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन में 3 से 4 सूखी लाल मिर्च को 3 से 4 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लीजिए। अब हम उसी पैन में खड़े मसाले को भी रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच खड़ा धनिया लिया है, 1 चम्मच खड़ा जीरा लिया है, 10 से 12 काली मिर्च ली है, 1 चम्मच सौंफ लिया है, 10 से 12 लौंग लिया है। इन मसालों को हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये मसाले अपना फ्लेवर ना छोड़ने लगे। अब मिक्सर ग्राइंडर में रोस्ट किया हुआ ड्राई चिल्ली और ये मसाला ऐड कर देंगे। साथ में 8 से 10 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक, 1 चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए अब फटाफट हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में आप घी या कुकिंग ऑयल ले लीजिए गरम करने के लिए और इसमें आप पनीर ऐड करिए ऐसे क्यूब्स में काट के। हम पनीर को तब तक फ्राई करेंगे जब तक पनीर अपना कलर ना चेंज कर लें। थोड़ा सा हमें इसे ब्राउनिश करना है। जब तक पनीर फ्राई हो रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बस इसी स्टेज तक हमें पनीर को फ्राई करना है। बस इसे आप एक टिश्यू पेपर में निकाल लीजिए ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन आउट हो जाए। हमारा पनीर बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो चुका है। तो चलिए फटाफट मसाले को भून लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही तेल लिया है और थोड़ा सा 2 चम्मच तेल ऐड किया है। आप यहाँ पे घी ले सकते हैं। इसमें आप एक मीडियम आकार का चॉप्ड प्याज ऐड कर दीजिएगा। बेसिकली हमें प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज अपना कलर ना छोड़ दे, यानी कि प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। हम उस स्टेज तक प्याज को फ्राई करेंगे। अब इसमें हम अपना ग्राइंड किया हुआ पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद आप थोड़ी देर मसालों को ऐसे चलाते रहें। इसके बाद आप इसमें एक टमाटर का प्यूरी भी ऐड कर दीजिएगा। थोड़ी देर स्टर करते रहें सारे चीज को मीडियम फ्लेम पे। टमाटर का प्यूरी ऐड करने के थोड़ी देर बाद आप इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दीजिएगा और नमक ऐड करने के बाद आपको इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना होगा। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। यहाँ पे आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शनल है। अगर आपका मन नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आप गैस का फ्लेम को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिएगा और इसे तब तक भूनिएगा जब तक तेल मसालों में से अलग ना हो जाए। 1 से 2 मिनट के बाद आपके मसालों में से तेल बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो इस स्टेज पे आप इसमें फ्राई किया हुआ पनीर ऐड कर दीजिएगा। पनीर ऐड करने के बाद इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ता भी ऐड कर दीजिएगा। ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं।
सारे चीज़ को अच्छे से मिला दीजिए ताकि पनीर में मसालों का सारा कोटिंग एब्जॉर्ब हो जाए और इसे आप 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही पका लीजिए। और 3 से 4 मिनट के बाद आपका रोस्टेड पनीर बिल्कुल रेडी है। इसे आप रोटी या फ्राइड राइस के साथ सर्व करिए गर्मा गर्म। बहुत ही लाजवाब लगता है दोस्तों, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों आपने देखा ना, हम कितना आसान से 20 से 25 मिनट में ये रोस्टेड पनीर बना सकते हैं जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे, और वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे में जो रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है उसे आप ग्रे कलर में चेंज कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और छोटे से रेसिपी के साथ मोहित किचन में। थैंक यू।